हेलो गाइस गाइस, अगर तो आप लोग जानना चाहते हैं कि टोटल गेमिंग ने अनफ्रेंड क्यों किया देसी गेमर्स को, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों की इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं कि टोटल गेमिंग ने अपने आप को अनफ्रेंड नहीं करवाया देसी गेमर से, बल्कि देसी गेमर ने करवाया अपने आप को टोटल गेमिंग से। अब आप लोग सब शॉक हो चुके होंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को उनके मुंह से, देसी गेमर के मुंह से ये अल्फाज सुनाऊंगा, उन्होंने जो खुद एक्सप्लेन किया वो क्यों अपने आप को अनफ्रेंड करते हैं। गाइस देखो, मैंने ना बहुत सारे क्रिएटर को ना फ्रेंडली से हटा रहा हूँ, हटा भी दिया बहुत सारे को, हटा भी दूंगा और भी ज्यादा, क्योंकि और वो सिर्फ इनसे नहीं कर रहे टोटल गेमिंग से नहीं, बल्कि वो बहुत सारे यूट्यूबर से कर रहे और हर एक को वो अनफ्रेंड करते जा रहे फ्री फायर में। तो अभी तक तो आप लोग बहुत शॉक हो चुके होंगे, तो अभी सारी आप रीजंस अब जान लीजिए। गाइस एक चीज बोलूं मैं, गाइस देखो मैंने ना बहुत सारे क्रिएटर को ना फ्रेंडली से हटा रहा हूँ, हटा भी दिया बहुत सारे को, हटा भी दूंगा और भी ज्यादा, क्योंकि ऐसा होता है ना, लाइक मान लो कोई क्रिएटर ऑनलाइन है, ठीक है, अब तुम लोग चैट पे बोलते हो अमित भाई इसको इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, उसके साथ खेलो, वो ऑनलाइन है, अब मैं बुलाता हूँ वो बंदा, हो सकता है ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेलता है, खेलता है, वैसे सब खेलते हैं, बट वो बिजी रहते हैं, तो तुम्हारे नजर में होता है कि अमित भाई उसको बुला नहीं रहे, अमित भाई या फिर वो बंदा पता नहीं अमित भाई को बुलाने भी नहीं आया, या तो मेरे को हेट मिलेगा या फिर उसको हेट मिलता है। तो अब जब भी कॉलैब करना होगा तो भाई इंस्टाग्राम मैसेज नंबर सबका सही है, नंबर के थ्रू कर लेंगे, लिस्ट में रखने से क्या होता है लाइक एक गलत इंप्रेशन जाता है कि भाई अमित भाई ने ये ऑनलाइन था, इसको बुलाते ही नहीं, ये है वो है, ये सीन होता है, होता है ऐसा कुछ होता तो नहीं क्रिएटर के बीच में, बट ऑडियंस के बीच में होता है, और तुम लोग खुद ही खुद पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हो, तो ये सब रीजन है इसमें, लोगों को ना अनफ्रेंड मार देता हूँ बहुत सारे लोगों को, तो है ना बहुत सारे लोग ऐसे भी होता है कि अमित भाई बुलाएंगे बोल के वेट पे रहते हैं, ऐड कर लिया है तो भाई अब मैं स्ट्रीम पे आता हूँ तो मेरा अलग ही माइंडसेट रहता है, सच बोलो तो मैं स्ट्रीम में जैसा हूँ ऐसा फिर दूसरे के साथ सबके साथ समान हूँ, बट स्ट्रीम के टाइम में थोड़ा ज्यादा ही भावुक हो जाता हूँ, इसीलिए मैं अनफ्रेंड कर देता हूँ, सच बोलो तो। सो गाइस ये तो सारा मामला, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के अंदर बन जाइए द वर्ल्ड शो के अंदर, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे करके, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।